तो बेटा आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के एमसीक्यूज जो है वो करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं जिसके अंदर मैं हर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाला हूं, जो भी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वन ऑप्शन सेलेक्टिव एमसीक्यूज, टू ऑप्शन सेलेक्टिव एमसीक्यूज, टेबल्स, एजर्शन रीजंस, मैच द फॉलोइंग, सब तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने इन स्लाइड्स के अंदर प्रिपेयर कर रखे हैं। तो बहुत टाइम जो है वो मैंने लगा रखा है इन कुछ 40-45 एमसीक्यूज को सेलेक्ट करने में। तो मुझे लगता है अगर जिस बच्चे ने भी ये सारे एमसीक्यूज कर रखे हैं तो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स की जो अगर प्रेपरेशन कर रहा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। और बहुत सारे ऐसे बढ़िया फंडे जो पुराने टाइम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं वो भी सारे जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर नोट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की हम लोग बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो एल्कोहल्स का किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड्स के साथ इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, कितनी जल्दी COH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा उतना जल्दी इस पे हेलो एसिड जो है वो अटैक करेगा। तो इसका ब्रेक होना किस पे डिपेंड करता है, कितनी जल्दी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास बन रहा है क्योंकि ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जैसे यहां से OH जाएगा तो इस जगह पे थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जबकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस जगह पे सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन का, इधर थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन का, और इस केस में फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब हेलो एसिड्स के साथ थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आता है सेकंड डिग्री, फिर आता है फर्स्ट डिग्री। तो इस हिसाब से जो है वो सेकंड ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो सही होने वाला है। समझ आ गया, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो बेटा जिसको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पूरा 2 घंटे का चैप्टर वन शॉट जिसमें एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की कवर कर रखी है वो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो आपके सारे फंडे जो है वो एकदम क्लियर रहेंगे। तो इसके अंदर मैंने रीजन एक्सप्लेन कर रखा है, ये थर्ड डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, SN1 मैकेनिज्म से जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करती है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए नंबर 1 पे ये आएगा, फिर नंबर 2 पे ये आएगा, फिर नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास ये आने वाला। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, आगे देखो, आगे बेटा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड्स या एल्काइल क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद HCl एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, सबसे बड़ी जो चीज आपको यहां पर पहचाननी है ना, रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे या NTP पे या RTP पे हम लोग रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों के पास रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा या OH को क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी OH के लूज करने पे जो है वो डिपेंड कर रही है। अब ये वाला केस देखो, इसके अंदर थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जब ये लूज करेगा, और थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, जबकि इस केस में देखो, इस पर्टिकुलर केस में जो है सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, इधर फर्स्ट डिग्री, इधर फर्स्ट डिग्री, तो रिएक्टिविटी थर्ड डिग्री की सबसे ज्यादा होगी। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस करा है SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड डिग्री की होती है, इसलिए ये जो पिंक में मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, आगे देख लो, यहां पे मैंने रीजन जो है वो दे रखा है कि SN1 मैकेनिज्म होगा जिससे कार्बोकैटायन्स का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो कार्बोकैटायन जो जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव जो है वो होने वाला है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं हम लोग बेटा जी, आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड्स को, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। तो पहले रिएक्शन में देख लो, यहां पे एमीन्स जो ये ग्रुप है NH2 ग्रुप है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जो है वो फॉर्म हो रहा है, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हम लोग NaNO2 HCl और 273 और 278 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पे जो है हम लोग करवाते हैं, तो इसके अंदर N2Cl जो है वो बन गया। अब हमने क्यूप्रस क्लोराइड इसके अंदर डाला तो सिंपल कुछ नहीं होगा, ये गटरमैन टाइप की रिएक्शन है, ये सारा का सारा यहां से हटेगा और इसकी जगह एक Cl ग्रुप जो है वो इस केस में लग जाता है। तो ये जितने भी डाई एजो सॉल्ट्स हैं ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं बेटा, तो बहुत इजीली यहां से रिमूव कर जाएंगे और इस जगह पे जो है वो Cl लग जाएगा, बाकी सारा जो है ये सेम बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है इस जगह पे। तो आई होप आपको ये जो है वो क्लियर है। तो द कंपाउंड वाई इज ये, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन जो है वो समझ आ गई। आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी, टॉलिन रिएक्ट्स विद हेलो एसिड्स। तो बेटा जी देखो, टॉलिन का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, दिस इज टॉलिन, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हेलो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है,
किसकी प्रेजेंस में, एफ ई थ्री पॉजिटिव की प्रेजेंस में जो है वो ऑर्थोपैरा हेलो कंपाउंड्स जो है वो दे रहा है। ऑर्थोपैरा हेलो कंपाउंड्स का मतलब एक कंपाउंड यहां अटैच हो रहा है, मतलब एक सब्सिट्यूएंट यहां अटैच हो रहा है, एक सब्सिट्यूएंट यहां अटैच हो रहा है, तो इसकी ऑर्थो पोजिशन है, ये इसकी पैरा पोजिशन है। तो अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो देखो बेटा जी आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, एफ ई सी एल पॉजिटिव क्लोरीन का प्यासा है, ठीक है, तो एफ ई टू पॉजिटिव जो है, तो इसके अंदर जो भी हेलो एसिड्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जो है वो इस पर्टिकुलर रिंग पे अटैक करने वाला है, और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अगर इस पर्टिकुलर रिंग पे अटैक करने वाला है तो कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, क्योंकि कॉमन सेंस है अगर यहां पे जो है वो इन पोजिशंस पे अटैच हो रहे हैं तो वो हाइड्रोजन को हटाने से ही होगा, तो इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ में कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ये हम लोगों के पास होने वाली है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनेगा, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे रहेगा। आई होप आपके पास ये जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ये कौन सी होती है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में देखो, देखो आर एक्स, इसके पास कोई भी एक्स हैलोजन है, इसके पास है एन ए आई, तो एक्स भी हैलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आई तो आयोडीन है ही है बेटा, तो यहां पे देख लो क्या हो रहा है, आर पहले जो है मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो आर पहले किसके साथ अटैच था, एक्स के साथ अटैच था, और एन ए पहले किसके साथ अटैच था, आई के साथ अटैच था, तो हुआ क्या ये आपस में एक्सचेंज हो गए, तो दिस इज व्हाट हैलोजन एक्सचेंज, तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया। ये हैलोजन एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहां पे एडिशन हो रहा है, यहां पे भी हैलोजन का एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहां हैलोजन है ही नहीं, एक जगह पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये देख लो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहां पे, हाइड्रोजन हट के हैलोजन जो है वो लग रहा है, तो ना ये है ना ये है ना ये है, तो बचा हुआ ये ए वाला ऑप्शन जो है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के अंदर जो है वो होगा। आई होप बेटा जी आपको ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। विच रिएजेंट यू विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये देखो यहां पे ये कोई हमारे पास प्रोपेन है और ये दो सब्सिट्यूएंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा है, तो आप सबसे पहले एक चीज पहचानो इसके अंदर एडिशन किस चीज का हो रहा है, तो क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन यहां पे अपने को डालना पड़ेगा, और इस तरह की रिएक्शंस जो है बेटा जी वो फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के हिसाब से टेक प्लेस करती हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, एक बार ये वीडियो देख लेना वन शॉट वाली, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्लोरीन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल में ब्रेक करती है, और यहां पे जो ये वाला हाइड्रोकार्बन है ये भी हाइड्रोजन लूज कर देता है और क्लोरीन जो है उसकी जगह अटैच हो जाता है, तो ये दो फेवरेबल पोजीशंस है इसके अंदर, एक ये वाली एक ये वाली, तो इन दोनों पोजीशंस पे क्लोरीन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से अटैच हो जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है यहां पे आएगा। क्लोरीन डार्क के केस में नहीं करेगी, आयरन डार्क के केस में नहीं करेगी, ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के लिए यूवी लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन ए वाला जो है वो इसका आंसर के अंदर जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं बेटा जी। इन कंपाउंड्स को डेंसिटीज के हिसाब से जो है वो अपने को अरेंज करना है, तो डेंसिटीज का बेटा एक सिंपल फंडा है, डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के जो है वो बराबर होती है। अब अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है इन सारे केसेस में, तो ये सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मास, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो ब्रोमीन का मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, तो इसका मतलब मास सबसे ज्यादा फोर्थ का होने वाला है, फिर उसके बाद थर्ड का, फिर फर्स्ट का, और फिर ये सॉरी सेकंड का, और फिर फर्स्ट का, तो ये ए वाला ऑप्शन जो है ये हम लोगों के पास आने वाला है, किसका, डेंसिटी का, सबसे कम डेंसिटी नंबर वन पे, लोएस्ट में ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हम लोग रूल लगाएंगे, मास ऑफ द कंपाउंड का रूल जो है हम लोग इसमें लगाने वाले हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका हो गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं बेटा जी। ए कंपाउंड के बारे में जो है वो आपको बताना है, बहुत सिंपल है, इसको समझो बेटा। सबसे पहले होगा क्या, ये जो है हमारे पास किस में ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा और यहां पे सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिस पे जो है वो क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो होने वाली है और इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है
वो इस जगह पे Cl लगने वाला है और यहाँ पे जो है वो CH3 होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इन चारों में से ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर का रूल जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि एडिशन रिएक्शन जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से टेक प्लेस करती है। अब मार्कोवनिकोव्स रूल क्या बोलता है मैं यहाँ पे इसको हटा के एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊंगा। यहां पे क्या है, HCl है, HCl में हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास अटैच करेगा जाके, जहां पे उसके दोस्त सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा दोस्त हाइड्रोजन के यहां पे हैं, तो हाइड्रोजन इस जगह अटैच हो जाएगा, इस जगह अटैच हो गया तो ये 3 बन गया, क्लोरीन इस जगह अटैच हो जाएगा तो यहां पे Cl बन गया, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास इसका हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये कॉमन नेम जो है वो इसका काफी फेमस है, इथाइलीडीन जो है वो क्लोराइड, ये क्या होता है हमारे पास, इसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। इथाइल तो ये दो कार्बन हो गए और इसमें दो कार्बन के साथ ये एक ही पर्टिकुलर कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हों अगर, तो वो इथाइलीडीन क्लोराइड जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। और अगर एक कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हों तो उसको हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, एक पर्टिकुलर कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हों तो वो हमारे पास जेम डाई हैलाइड वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये हम लोगों के पास जेम डाई हैलाइड जो है वो इथाइलीन डीन क्लोराइड जो है वो जेम डाई हैलाइड हम लोगों के पास हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड कौन से होते हैं, जब हमारे पास एडजेसेंट पोजीशंस पे हेलोजन जुड़ा हो, एडजेसेंट पोजीशंस पे जैसे 1-2, यहां पे देखो इस पर्टिकुलर केस में 1-2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो दिस इज व्हाट अ विसिनल डाइहैलाइड इज। ये नहीं हो सकता, एलाइल वाला भी नहीं है, डाइक्लोरोमीथेन भी इसका एग्जाम्पल जो है वो नहीं आता, तो 1 और 2 पे डाइक्लोरोइथेन जो है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल जो है वो है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, आई होप ये क्लियर होता जा रहा है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, धीरे धीरे बॉन्ड जो है वो पक्का होता है और दूसरे वाला जो है लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़ के चला जाता है, तो इस वाली रिएक्शन के अंदर हम लोग SN2 जो है वो मैकेनिज्म से टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में अगर कार्बोकैटायन बनता है बेटा तो फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकैटायन को फॉर्म नहीं करता, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन को फॉर्म नहीं करता तो ये SN2 से टेक प्लेस करने वाला, तो SN2 जो है वो इसका रहेगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN2 रिएक्शन, वीडियो देख लो अगर नहीं पता, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं आगे। The position of Br in the compound is, ध्यान से देखना, CH3, C, double bond C, फिर C, फिर Br, फिर यहाँ पे CH3 और ये CH3, तो ये compound है हमारे पास बेटा, इसका ये देखो, ये वाला situation बस जिसपे मैं यहाँ पे highlight कर रखा है, जिसको मैंने circle कर रखा है, तो ये circle वाली position क्या बता रही है, ये बता रहा है हमारे पास, तो ये जो है ये allyl वाला group होता है, ये वाला जो case है, तो ये एलाइलिक पोजीशन जो है वो इसकी हम लोगों के पास हो जाएगी, जब जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो आगे C डबल बॉन्ड C से अगर जुड़ा हो तो वो एलाइल वाला ग्रुप जो है वो हो जाता है। अब ये एराइल वाला क्या होता है, जो बेंजीन के साथ जुड़ा हो, जो बेंजीन के साथ जुड़ा हो एराइल वाला हो गया। विनाइल वाला कौन सा होता है, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, ठीक है, तो यहां पे एलाइल वाले केस में C डबल बॉन्ड C, C Br, क्योंकि यहां पे इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए ये एलाइलिक वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाइक करने वाला है। आई होप आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो बेटा वीडियो लाइक कर दीजिए, सारी चीजें नोट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ आगे। देखो बेटा जी क्लोरोबेंजीन जो है वो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ये मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ। तो ये हम लोगों के पास बेटा जी क्या है, ये एक क्लोरोबेंजीन है और उसके अंदर रिएक्शन ऑफ क्लोरीन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, अब देखो बेटा जी ये मैंने जब ये करवाया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, तो ये इसके अंदर जो है ये क्लोरीन का प्यासा है तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा मैं यहां लिख देता हूं, इट विल फॉर्म AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। अब ये जो Cl पॉजिटिव है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो अटैक करने वाला है, तो इसलिए Cl पॉजिटिव विल बी द स्पीसी दैट अटैक्स द बेंजीन रिंग। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं आगे बढ़ो। द मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड इज नोन एज ए कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल इन नेचर। तो यहां पे कायरल मॉलिक्यूल बताना है आपको, कायरल मॉलिक्यूल की सिंपल पहचान है
कि जो भी कार्बन के साथ इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे अगर अलग होंगे तो यही होगा ये कायरल। अगर इसमें से एक भी रिपीट करता हुआ या सेम हुआ तो वो मॉलिक्यूल ए कायरल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं बेटा जी आपको, तो ध्यान से देखना जरा इसको। तो यहां पे देखो, टू ब्रोमो ब्यूटेन, एक दो तीन चार, यहां पे दो नंबर पे ब्रोमो और एक लगा हुआ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, इसका एक ए ग्रुप, दिस बी ग्रुप, दिस सी ग्रुप एंड दिस डी ग्रुप ऑफ दिस कार्बन आर डिफरेंट। किस केस में? फर्स्ट वाले केस में। तो इसीलिए ये कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर चला गया? कायरल वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये हमारे पास चला जाएगा। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। बाकी कोई सा भी बना लो, कायरल जो है वो नहीं होने वाला। मैं आपको एक बार बना के बता देता हूं। वन ब्रोमो ब्यूटेन में देख लो, एक दो तीन चार और ये बी आर, तो यहां पे देख लो एक हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो दो ग्रुप्स जो है वो सेम हो गए यहां पे हमारे पास, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू ब्रोमो प्रोपेन, तो टू ब्रोमो प्रोपेन वाला भी नहीं होने वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे दो कार्बन वाले ग्रुप्स जो है वो सेम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, टू ब्रोमो प्रोपेन टू ओल, एक दो तीन, और यहां पे दो पे ब्रोमो और दो पे ओल, तो यहां पे भी ये वाले दो कार्बन सेम हो गए, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ए ऑप्शन जो है हमारे पास बचेगा जिसके अंदर ये सारे ग्रुप्स बेटा जी डिफरेंट है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। आगे देखो, C6H5CH2Br एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या देगा बेटा? अब इसके अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली है, ये है बेंजीन का रिंग और ये है CH2 और ये है Br। अगर बेटा यहां से Br रिमूव हो जाए ना, तो ये यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है भैया रेजोनेंस कर रहा है ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और अगर ये रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो स्टेबल है। तो यहां पे जो है, क्योंकि कार्बोकैटायन से SN1 मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है, तो इसलिए ये जो है SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से जो है रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस करेगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the increasing order of the boiling point? Butane, 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 butane. तो butane, butane है, तो सेम ही structural volume है, तो mass पे depend करने वाला है। Mass पे अगर depend करेगा तो सबसे ज्यादा mass जो है हमारे पास iodine का, फिर bromo का, फिर chloro का और फिर ये है। तो सबसे ज्यादा boiling point इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। I hope आपको इसको जो है वो arrange कर लोगे। Next slide पे मैंने जो है वो question के options दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ए पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है बोर्ड्स के अंदर भी, के एक SN1 SN2 को पहचानने के अंदर और एक ये बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो है एक क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछने वाले हैं, गारंटीड। नेक्स्ट स्लाइड पे जो मूव कर रहा हूं, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये ब्रोमो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसका मास सबसे ज्यादा उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बता देता हूं बेटा जी। तो ब्रोमो बेंजीन देख लो, ये ब्रोमो बेंजीन हो गया। ब्रोमो ब्यूटेन देख लो, एक दो तीन चार और ये बी आर, ये ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ये ब्रोमो बेंजीन हो गया। ब्रोमो प्रोपेन देख लो, ये ब्रोमो प्रोपेन हो गया ये वाला, और ब्रोमो इथेन देख लो, सी सी और ये हो गया ये वाला। अब सबसे ज्यादा मास है इसका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे जो है वो ये आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है इसके ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, यहां से इसको देख लेना, नोट कर लेना, आगे मैं बढ़ रहा हूं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब जो जल्दी जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो है वो CX बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जितना बड़ा हेलोजन होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना आसान होगा उसको तोड़ना, क्योंकि लंबा बॉन्ड है तो जल्दी ब्रेक कर जाता है। ठीक है, छोटा बॉन्ड है तो जो एटम्स है वो बहुत पास पास हैं, और फोर्स जो है आप याद रखो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। तो यहां पे हेलोजन वाला बॉन्ड जो है, सी आई वाला बॉन्ड, क्योंकि हेलोजन का साइज सबसे बड़ा है इसीलिए ये सबसे जल्दी जो है यहां पे हमारे पास ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। करेक्ट IUPAC नेमिंग देनी है आपको इसकी, ये मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन ही आने वाला है पेपर के अंदर भी, बहुत ज्यादा मुश्किल कैटेगरी के अंदर ये नहीं लाई करने वाले। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये देख लो, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, C2H5 को मैंने ये दो कार्बन वाले ग्रुप में तोड़ दिया। अब नंबरिंग करो, आप हेलोजन से शुरू करो, 1 2 3 4, तो इसके देखो 2 पे मिथाइल है,
टू पे मिथाइल है। अब मिथाइल को बाद में क्यों लिखा है, ब्रोमो को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बेटा जी ये वन का ब्रोमो, वन पे ब्रोमो, टू पे मिथाइल, और है क्या टोटल कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो ब्यूटेन जो है इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। चलिए आईयूपीएससी नेमिंग बतानी है आपको, डाई इथाइल ब्रोमो मिथेन। अब ये देखो ये है ब्रोमो मिथेन, इसको ड्रॉ करना ही कई बार मुश्किल लगता है क्योंकि कॉमन नाम जो है वो आ गया इसका। तो ये है हमारे पास ब्रोमो मिथेन, तो दिस इज ब्रोमो एंड मिथेन, डाई इथाइल, दो इथाइल अटैच हैं इसके साथ, तो डाई इथाइल, दीज आर डाई इथाइल ब्रोमो मिथेन। तो इसका नाम क्या होगा, देखो यहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5, तो तीन पे जो है वो ब्रोमो ग्रुप अटैच है, तो 3-bromopentane जो है वो हम लोगों के पास इसका नाम रहेगा। पेंटेन क्यों यूज किया, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, क्लोरोमिथेन जब एक्सेस अमोनिया के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला है, इसको मैं आपको अभी बताता हूं। तो दिस इज क्लोरोमिथेन CH3Cl, इसको हमने क्या ट्रीट किया, NH3 के साथ ट्रीट किया। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस में बेटा जी हम लोग इसको ले लें तो ये क्लोरीन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3NH2 का फॉर्मेशन जो है ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कम अमाउंट में लेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होंगे, लेकिन इसके अंदर पूछा नहीं हुआ क्योंकि अगर यहाँ पे पूछा होता तो हम लोग लिख देते, तो NH3 अगर एक्सेस में है तो Cl जो है वो NH3 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर CH3Cl एक्सेस में है तो एक बार क्लोरीन NH2 से रिप्लेस होगा, फिर दोबारा हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस होगा, फिर तिवारा हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस होगा, तो वो पूछा नहीं है तो आप एक्सेस में ले रखा है, तो ये मिथेनेमाइन जो है ये हम लोगों के पास CH3NH2 जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाली, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है क्लोरीन को यहाँ से खिसका के खुद उसकी जगह जो है वो अटैच हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं मूव कर रहा हूँ, कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलराइज्ड क्यों होता है, बेटा बहुत सिंपल है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या रहता है, पोलराइज्ड वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स। तो इसमें ये पूछा गया है टॉलिन की रिएक्शन हो रही है, टॉलिन जी बना देते हैं हम लोग ऐसे, टॉलिन की रिएक्शन हो रही है CH3 किसके साथ, क्लोरीन के साथ हो रही है और एब्सेंस ऑफ लाइट है, बट एब्सेंस ऑफ लाइट है ना तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस नहीं करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर टेक प्लेस नहीं करेगा तो यहाँ पे CH2Cl वाला कोई भी प्रोडक्ट अपने पास फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन ही नहीं रहा। अब इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन जो है वो किसका होगा, बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस करेगा। बेंजीन रिंग का जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो या सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे होगा या सब्स्टिट्यूशन हम लोगों के पास पैरा पोजीशन पे होगा जहां पे क्लोरीन जो है वो अटैच होने वाली है। तो इसीलिए बेटा जी हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड हैज मैक्सिमम डेंसिटी। बेटा जी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नीट में बहुत बार जो है वो आया हुआ है और यूजुअली बच्चे गलत लिखते हैं और ये आंसर टिक करते हैं जबकि आंसर इसका ये है। क्यों ये है, देखो अब सबसे बड़ा फैक्टर है डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। अब इस केस में इस मॉलिक्यूल का मास बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम क्योंकि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ये, तो CH3I के केस में बेटा जी जो इसकी डेंसिटी है वो हाईएस्ट होने वाली है एज कंपेयर टू, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, ठीक है मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो मास वाला फैक्टर भी बड़ा है वॉल्यूम भी बड़ा है जिससे डेंसिटी का रेशियो जो है वो छोटा हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर बहुत बड़ा है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट वाला केस है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम बहुत छोटा है मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो ये याद रखो CH3I का जो डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम है अल्काइल हैलाइड्स के केस में। और एक गलती बच्चे अक्सर करते हैं जब इस तरह के कंपेरिजन अलग मॉलिक्यूल के साथ जो है वो किए जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बट लीस्ट सॉल्युबिलिटी। अब यहां पे देख लो, पी डाइक्लोरोबेंजीन, एम डाइक्लोरोबेंजीन, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, ये मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ये किस चीज की बातें जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो ये है पी डाइक्लोरोबेंजीन, एक तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक होने की वजह से ये इजिली लटाइस वगैरह के अंदर जो है वो फिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ड्यू टू सिमेट्री द मॉलिक्यूल ये वाला जो है
फिट्स क्लोजली इन द लेटाइस, एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं डाइक्लोरोबेंजीन में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है। अब जितना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है इसका, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। अब एक सोचने वाली बात है यार, अगर मॉलिक्यूल के अपने बीच में ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो वो सॉल्युबिलिटी तो कम करेगा। मान लो मेरे को पानी के अंदर डाल दिया और मैंने खुद को पकड़ के रखा हुआ और मैं ब्रेक करना ही नहीं चाह रहा, तो मैं डिसॉल्व कैसे होऊंगा? तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जिसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं वो मॉलिक्यूल्स लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो हमने यहाँ पे बताना है, लीस्ट सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी है, लीस्ट सॉल्युबिलिटी अपने पास पी डाइक्लोरोबेंजीन की जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रेशमिक, बहुत ही यार एक नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जो है कि कौन सा जो है वो रेशमिक मिक्सचर यहाँ पे देने वाला है। अब देखो रेशमिक मिक्सचर के लिए कायरल कार्बन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हम लोगों के पास फॉर्म होंगी। और कायरल कार्बन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस कार्बन की हम लोग बात करें उसके चारों एटम्स जो हैं वो अलग हो। यहां पे देख लो, एक साइड पे एच है, एक सी एच थ्री, एक सी टू एच फाइव, एक बी आर, बाकी कोई सा भी ले लो रिपीट मार रहा, यहां पे देखो, सॉरी इस वाले की बात करें, अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है रिपीट मार रहा है, यहाँ पे देखो सी एस थ्री सी एस टी रिपीट कर रहा है। तो रिपीट वाले केसेस नहीं लेने, मतलब हमने सारे डिफरेंट वाले लेने हैं, तो ये इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर का अच्छा लेवल टीचर सेट करने पे आए तो ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं हम लोग, आगे देख लो। अब मैंने ना थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो चूज किए हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब ये मेरा मोटिव ये नहीं है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट बोर्ड्स में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो किसी और फॉर्म में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट का मेन रिविजन करना है हमने इन एमसीक्यूज के थ्रू, वो आपका इनके थ्रू पूरा होने वाला है। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेम डाइहैलाइड। अब देखो मल्टीपल ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पे टीचर कुछ और दे देगा, जेम डाइहैलाइड नहीं देगा, तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या है इथाइलीडीन डाइक्लोराइड, तो यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है, दिस इज इथाइलीडीन डाइक्लोराइड, दिस इज जेम डाइहैलाइड। अब देखो इथाइलीन डाइक्लोराइड में अलग अलग कार्बन पे जो है ये विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है, ये मिथाइल क्लोराइड एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है बेंजाइल क्लोराइड के अंदर, तो इसलिए ये दो जो हैं वो हम लोगों के पास बेटा जी एग्जांपल हो गए किसके, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्बन पे दो हैलोजन जब जुड़े हो, तो एक इस केस में आ रहा है एक इस केस में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं मूव कर रहा हूँ, सेकेंडरी ब्रोमीन जो है वो हमारे पास क्या है, देखो मैं पहला केस आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये देख लेना सी बी आर एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ये पहला केस है। दूसरा केस भी बना के बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, उसके बाद सी एच टू बी आर, ये दूसरा केस है। तीसरा केस भी बना के बता रहा हूँ, ये देख लो बेटा यहाँ पे ना जैसे थ्री लिखा होता है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सी एच थ्री थ्राइस है, तो सी एच इस कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन की बात हो रही है, तीन सी एच थ्री ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, एक दो और ये तीन सी एच थ्री ग्रुप जो है वो डायरेक्ट अटैच है, और यहाँ पे क्या है सी एच टू बी आर जो है वो हो रहा है। आगे देखो ये वाला, इस केस में थर्ड वाले केस में, तो इसके अंदर देखो सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी एच थ्री, तो थर्ड वाला केस जो है वो हम लोगों के पास ये वाला हो गया। अब ये फोर्थ वाला केस में बना रहा हूं, यहां पे देख लेना ये बी आर है सी एच थ्री सी एच थ्री, उसके बाद सी एच टू, उसके बाद सी एच थ्री, ठीक है, ये अपने पास कौन सा है फोर्थ वाला केस। अब अपने को ढूंढ रहा है सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी मतलब जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो वो आगे फर्दर सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ पे देख लो जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं है। जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी है ये भी है, ये जो है वो नहीं आएगा, तो इसलिए ए और सी इसका ऑप्शन हो जाएंगे। हो सकता है पेपर में किसी और तरीके से आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं करना, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट जो है वो बोर्ड्स में नहीं आता लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बदला जाएगा लेकिन क्वेश्चन रहने वाला सेम ही है। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव कर रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड्स जो है बेटा हम लोगों के पास कौन से रहते हैं और कौन से नहीं रहते हैं। आप एराइल हैलाइड्स का सिंपल फंडा समझ लो, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच हो, डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप
अटैच हो तो वो हमारे पास एराइल हैलाइड वाली कैटेगरी के अंदर चला जाता है। अब इस केस की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना बेटा जी, पी पोजिशन पे हेलोजन अटैच है और आगे जो है CH2, CH, CH3, CH3। यस दिस इज अ एराइल हैलाइड, क्योंकि कार्बन सीधा, क्लोरीन सीधा डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से जो है वो अटैच है। अब इस केस में देख लो, ये हमारे पास एराइल हैलाइड वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये जो है हम लोगों के पास बेंजीन है, एक साइड पे CH2CH3 है और दूसरी साइड पे CHCl CH3 है। यहाँ पे देखो ध्यान से जरा, ये वाला ये केस बन रहा है, तो इसमें देखो क्लोरीन जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है बेंजीन के साथ, दिस इज नॉट एन एराइल हैलाइड। नेक्स्ट देख लो ये वाला केस, हम लोगों के पास ये केस भी नहीं है क्योंकि CH2Br जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ देख लो जरा, मैं नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, दिस इज CH2Br एंड दिस इज CH, उसके बाद सॉरी ये मैं लास्ट वाला स्ट्रक्चर एक बार फिर से यहाँ पेन से बना रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया बेटा जी बेंजीन और ये हो गया CH2Br और उसके बाद यहाँ पे हो गया CH, फिर हो गया यहाँ पे CH3, फिर हो गया CH2CH3। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है, जबकि लास्ट वाले केस में तो बहुत सिंपल है जी, यहाँ पे सीधा क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इसलिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ए और डी जो है वो अपने पास एराइल हैलाइड्स वाली कैटेगरी में जो है वो हमारे पास लाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा मूव कर रहा हूँ, एल्कोहल किस किस तरीके से जो है वो बनाया जा सकता है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, तो HCl ये लूकस टेस्ट वाला है, रेड फॉस्फरस और ब्रोमीन के केस में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों केसेस में जो है वो नहीं होगा। यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑल ऑफ दी स्टिक कराते हैं, तो याद रखो H2SO4 वाला केस जो है KI के साथ हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं देने वाला, क्योंकि इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के आयोडीन का फॉर्मेशन कर देगा जो कि एल्काइल हैलाइड हमारे पास नहीं बनाएगा। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ये लूकस टेस्ट ग्रूव्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जिसको डिटेल में देखनी है वहां पे देख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ, एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, बेटा ये स्वार्ड्स रिएक्शन के अंदर हैवी मेटल फ्लोराइड्स के रिएजेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हैवी मेटल फ्लोराइड्स के रिएजेंट्स जो है, इवन ये एंटीमनी का भी फ्लोराइड जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे रहता है, एंटीमनी का फ्लोराइड, तो ये आपको ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं कि विच ऑफ द एंटीमनी का फ्लोराइड दे दिया आपको, ठीक है, और एक ये ऑप्शन दे दिया और यहाँ पे लगा दिया नॉट, फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आप ये समझ लो हैवी मेटल फ्लोराइड्स जो हैं वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्वार्ड्स रिएक्शन के अंदर जो है वो हैवी मेटल फ्लोराइड्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एल्काइल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है वो क्लियर है, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, इथाइलीन क्लोराइड एंड इथाइलीडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स विच आर करेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा। तो बेटा जी यहाँ पे ना मैं एक बार इनको ड्रॉ कर देता हूँ, इथाइलीन क्लोराइड इज CCCl Cl और इथाइलीन डाइक्लोराइड इज CCCl Cl, तो ये आइसोमर्स हैं, देख लो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। अब ये अगर हम लोगों के पास एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएं, एल्कोहलिक KOH से अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं, तो बेटा मेरे पास ये इथाइन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ये भी इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेट करता है, तो दोनों केसेज में सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। गिव सेम प्रोडक्ट विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ सेम प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OHOH एक्वस के साथ और यहाँ बनेगा OHOH एक्वस के साथ, तो प्रोडक्ट दोनों अलग हो गए, तो ये ऑप्शन गलत है। बोथ हैव सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, अब इसका रिडक्शन कर रहा हूँ मैं, इसका रिडक्शन करके मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल बनने वाला है, कैसे, देख लो यहाँ पे CCCl Cl है, इसका अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास बनेगा CH3 CH3, सिंपल, इसका भी अगर रिडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास यही बन रहा है CH3 CH3, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। और ऑप्टिकली एक्टिव ये है नहीं, क्योंकि इनके अंदर कायरल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और इस जगह पे भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, सिमिलरली इस वाले के अंदर दो क्लोरीन आ गए तो कायरल नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं हो सकता ये वाला कंपाउंड। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ, बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमेरिक विद मॉलिक्यूल ए, इसका एनेंशियोमर बताना है आपको कौन सा होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा जी इस चीज को, ये जो है ये पीछे की तरफ पॉइंट करता है, ये सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो है ये सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, इमेजिन करना है इसको, मैं आपको एकदम
नंबर तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये जो है ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमीन, ये वाला दिस इज ब्रोमीन, और जो ये CH3 ग्रुप है दिस इज CH3 ग्रुप, एक आपके सामने वाला ये ब्रोमीन, मेरे सामने वाला जो है जो आपकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रही है वो ब्रोमीन है, जो मेरी तरफ फिंगर पॉइंट कर रही है दैट इज CH3, ये CH3 है। उसके बाद एक CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा है, और एक H जो है वो इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो इसका हमने मिरर इमेज बनाना है, एनशियोमर का मतलब यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज का फॉर्मेशन जो है वो आपको इसका करना है। अब देखो मिरर इमेज का फॉर्मेशन ना सिंपल है, इस मॉलिक्यूल को क्या करो 180 डिग्री जो है वो आप घुमा दो इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को जब आप 180 डिग्री, यहाँ पे मैं ना अगली स्लाइड में बता रहा हूँ यहाँ से ऑप्शंस चूज करने का जो है मिरर इमेज का, ये देखो यहाँ पे, तो देखो ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा था ये वाला जो है, तो इस मिरर के अंदर भी ये आपकी तरफ ही पॉइंट करेगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, इसके अंदर भी आपकी तरफ ही पॉइंट करेगा। ये जो C2H5 था ये घूम के पीछे चला गया, ये यहाँ पे घूम के क्या हो गया, पीछे चला गया, और ये वाला जो था बॉन्ड ये इस साइड पे आ गया घूम के, ये वाला बॉन्ड इस साइड पे आ गया घूम के, तो ये इधर हो गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज मिरर इमेज के अंदर जो है वो हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। अब वैसे भी देख लो ये ब्रोमीन ऊपर था, मिरर इमेज भी ऊपर बनेगी, हाइड्रोजन यहाँ था, मिरर इमेज भी यहीं सेम जगह पे बन रही है, बस ये क्या है CH3 नीचे की साइड पे था, यहाँ पे मतलब पीछे की साइड पे था, तो जब ये मिरर के सामने इधर से आएगा तो इसकी इमेज जो है वो हमारे पास क्या होने वाली है, पहले फॉर्म होने वाली है, और ये जो पीछे की साइड पे चला गया इसकी इमेज जो है वो नीचे की साइड पे यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। वैसे भी देख लो मिरर के सामने जो पार्ट है उसकी इमेज पहले बनती है, दूसरे वाले की बाद में बनती है। अब देख लो ये वाला पार्ट मिरर के सामने था तो इसकी इमेज पहले बनेगी, जो इसका पीछे वाला पार्ट है इसकी इमेज जो है वो नीचे चली जाएगी, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है आपको। आई होप ये क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कई बार, तो मिरर मैंने यहाँ पे बना के प्रॉपरली जो है वो मेंशन कर दिया, तो ये इसका शायद ऑप्शन जो है वो होने वाला है, हाँ यही ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला इसका आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं मैं। अब ये देख लो किस कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन बेटा वो कार्बन होता है जिसके अंदर सारे एटम्स जो कार्बन के साथ अटैच हैं वो अलग है, तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से केसेस में अलग बन रहे हैं। फर्स्ट केस में जी अलग बन रहा है जी, यस ये भी है। सेकंड केस में जी अलग है जी, ये भी है। थर्ड केस में भी अलग है जी, ये भी है। फोर्थ केस में ये नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन सेम हो गए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो इसका आंसर यहाँ पे होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द कार्बन प्रेजेंट आर बोथ एसिमेट्रिक। यहाँ पे देखो चारों बॉन्ड अलग होने चाहिए, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना लिया तो ये तो काम खराब हो गया इन दोनों का, कार्बन्स का, क्योंकि डबल बॉन्ड बना लिया, चार बॉन्ड अलग होने चाहिए, यहाँ पे दो बॉन्ड तो सेम ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हो गए, तो ये तो कैटेगराइज्ड ही नहीं होगा एसिमेट्रिक वाले के अंदर। हाँ यहाँ पे चेक कर लो, एक साइड पे COOH ग्रुप है, एक साइड पे ये अलग ही ग्रुप है, एक साइड पे OH है, एक साइड पे H है, यस टू वाला जो है वो एसिमेट्रिक होगा। थ्री वाला चेक कर लो, एक साइड पे इतना बड़ा ग्रुप है, दूसरी साइड पे ये ग्रुप है, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये, सारे ग्रुप अलग है, तो टू और थ्री वाले जो है वो एसिमेट्रिक हम लोगों के पास रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं मैं। अभी इस तरह के कई बार कॉलम मैच वाले क्वेश्चंस भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बोर्ड्स के अंदर आने वाले हैं, तो मैंने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट कर रखे हैं इसके अंदर। तो SN1 रिएक्शंस जो हैं वो हम लोगों को क्या देती हैं, देखो SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हम लोगों के पास रेशमिक मिक्सचर जो है वो बनता है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने से यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बन रहा है, तो ये थर्ड वाले से जो है वो अटैच रहेगा। अब याद रखो केमिकल्स फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज होते हैं वो क्लोरो ब्रोमो कार्बन्स जो है वो रहते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लोरो ब्रोमो कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज होते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ, अगर मैं एल्कीन कर रहा हूँ, अगर मैं एल्कीन का ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ तो एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा, तो इस केस में देखो विसिनल वाला एडजेसेंट पोजिशन वाला ब्रोमाइड जो है वो हम लोगों के पास मिलेगा, तो देखो एडजेसेंट पोजिशन वाला विसिनल वाला इस केस में जो है वो मिल रहा है। एल्काइलिडीन हैलाइड्स, एल्काइलिडीन हैलाइड्स सबको अभी तक मालूम चल गया होगा कि ये जो है वो एक ही कार्बन पे अटैच हैं, तो दीज आर जेम डाई हैलाइड्स। एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड,
अब ये एलिमिनेशन एच एक्स की सेटजेफ रूल के हिसाब से जो है वो बेटा टेक प्लेस करती है, ये मार्कोवनिकव्स रूल के जैसा ही है, ठीक है। तो ये सेटजेफ रूल के हिसाब से जो है वो एलिमिनेशन यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स की टेक प्लेस करती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के चार ऑप्शन दे रखे होंगे जैसे A1, B2, C3, D4, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना। उसने मैंने चार ऑप्शन दे के नहीं बताया, मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा है, मैंने और भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। आगे देखो ये वाला, ये हमारे पास ये कौन से वाला है, ये कौन से वाला है, ये तो देखो बेटा सिंपल एल्काइल हैलाइड है, ये वाला सिंपल एल्काइड है, सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है जो ये वाला। उसके बाद देखो बी वाला पार्ट जो है वो, बी वाला पार्ट जो है वो हम लोगों के पास एलाइल वाला ग्रुप है, एलाइल, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो आगे सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज एलाइल। तो ये फोर्थ वाले के साथ जो है वो मैप होगा। अब ये एराइल है सिंपल, इसके साथ मैप होगा, और ये क्या है विनाइल है, ये इसके साथ मैप होगा। जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो सिंपल सी डबल बॉन्ड सी कार्बन है अगर, तो वो विनाइल वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पूछा जाने वाला है इस बार, तो ये अच्छे से जो है वो समझ लो क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो A2, B4, C1, D3 जो है आप इसमें टिक कर देना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ बेटा, और भी इस तरह की मैचिंग्स जो है मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, Cl पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसको क्या करेगा रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये रिएक्शन हमारे पास लाई कर रही है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, HBr ऐड कर रहे हैं, तो पहले H पॉजिटिव यहाँ जाएगा और Br यहाँ अटैच होगा, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये हम लोगों के पास होगा। आगे देखो बेटा जी C पार्ट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH नेगेटिव हम लोग लेके आ रहे हैं, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आयोडीन को रिप्लेस कर रहा, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये चला जाएगा। अब यहाँ पे देख लो इस केस में डी वाले का जो है वो हमारे पास कौन से वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, अब OH से रिप्लेस हो गया, एरोमेटिक क्यों बोला क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर जो है ये हो रही है सारा कुछ, तो ये इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा। उसके बाद लास्ट वाला देख लो हमारे पास कौन सा रह गया, थर्ड ऑप्शन रह गया। अब ये एलिमिनेशन जो है वो सेटजेफ रूल के हिसाब से जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस करती है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट है, आप एक बार वीडियो में देख लेना, बस अभी के लिए समझ लो कि एलिमिनेशन जो एल्केलाइन KOH की प्रेजेंस में हो रही है वो सेटजेफ्स एलिमिनेशन के हिसाब से जो है, या मार्कोवनिकोव्स एलिमिनेशन रूल्स के हिसाब से जो है वो गवर्न करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ, आई होप आपको इतना ही क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बच्चे कई बार ड्रॉ करने में जो है वो इसको गलती कर देते हैं, मैं एक एक करके आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जितने ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी ये वाले पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, दीज आर कार्बन। तो यहाँ पे बेटा देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सी, इस वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर सी डबल बॉन्ड सी, देखो ना कार्बन 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 कार्बन, फिर उसके बाद सी सी, और यहाँ पे क्या अटैच है, बी आर अटैच है, ठीक है। अगर यहाँ पे बी आर अटैच है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग नंबरिंग करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, बोलो क्या बनेगा, 4 पे ब्रोमो पेंट 5 है, 2 पे ईन, तो 4 ब्रोमो पेंटीन, तो ये इसकी मैपिंग इसके साथ जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वाला बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना जरा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, अब ड्रॉ कर दो, ये कार्बन ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे, फिर ये और फिर ये वाला। अब इस केस में भी बेटा जी देखो हम लोग प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड को देंगे, तो यहाँ पे देख लो क्या है, 4 पे ब्रोमो है, तो यहाँ देख लो 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल, पेंट 2 पे ईन है, तो पेंट 2 ईन, तो ये इसकी मैपिंग जो है इसके साथ हो जाएगी। तो बेटा इसका जो है वो कैसे रहने वाला है, देखो यहाँ पे मैं जो है वो कर रहा हूँ, ये कार्बन होगा ये कार्बन होगा ये कार्बन होगा ये कार्बन होगा ये कार्बन होगा, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है। इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, तो इस केस में देखो 4 पे जो है वो ब्रोमो होने वाला है, उसके बाद क्या पेंट 2 पे ईन होने वाला, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन जो है इसका नाम बनेगा। ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है वो गलत है, ये इसका आंसर जो है वो आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लो बेटा जी,
इसको मैं रीड्रॉ जो है वो करने वाला हूं। तो यहां पे देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ड्रॉ करो, एक सिंगल बॉन्ड, दो, फिर डबल बॉन्ड, तीन, फिर चार, फिर पांच, और फिर यहां डबल बॉन्ड के साथ एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये ब्रोमीन जो है वो यहां पे हम लोगों के पास अटैच है। अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं इसकी तो यहां पे देख लो, इसको 1 2 मिलेगा यहां से, और यहां से लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। तो ये क्या होने वाला है, इसको अपने आप से जरा फाइंड आउट करो। 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, ब्रोमो अटैच है। 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, और साथ में क्या है, पेंट है, और 2 पे क्या है यहाँ पे हमारे पास ईन वाला ग्रुप जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसके अंदर गलत दे रखा है, तो ये इसका ये आंसर होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी जो है मैं मूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो ये कौन सी रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई कर रहा है, ये वुर्ज फिटीग रिएक्शन है। वुर्ज रिएक्शन नहीं लिखना क्योंकि इसमें एक हैलोजन है और एक आर वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे दोनों हैलोजन जो है, दोनों ही एक हैलोजन मतलब यहाँ पे जो है एक बेंजीन वाला ग्रुप है, एराइल हैलाइड है और एक एल्काइल हैलाइड। एराइल और एल्काइल दो मिलते हैं वुर्ज फिटीग में, दोनों एराइल मिलते हैं फिटीग में। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है हम लोगों के पास, ये कैटेगरी है सेंडमेयर्स रिएक्शन की। ये सेंडमेयर्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास रहेगी। ठीक है, और C2H5 ये यहाँ पे जो है हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो ये फिंकलस्टीन वाली रिएक्शन जो है ये बन जाएगी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछनी नहीं है, वो चेक करने के लिए बच्चों को आती है कि नहीं आती है, तो इस तरह के ऑप्शंस जो है वो रहने वाले हैं। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा जी मैं, अब मैंने एजर्शन रीजंस जो है वो इसमें कवर अप करेंगे। तो एजर्शन रीजंस में देखो बेटा, फॉस्फरस के जो क्लोराइड्स हैं PCl3 PCl5, ये बोल रहा है कि उनको प्रेफर करते हैं थायोनिल क्लोराइड के ऊपर एल्काइल क्लोराइड्स की प्रेपरेशन करने के लिए अल्कोहल से। ऐसा बिल्कुल गलत है, SOCl2 को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स गैसोस फॉर्म के अंदर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, गैसोस फॉर्म में रिलीज होते हैं, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें प्योरिफिकेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती बाई प्रोडक्ट्स की। तो फॉस्फरस क्लोराइड ये दोनों गलत है यार, प्योर एल्काइल हैलाइड जो है वो नहीं फॉर्म करता, उसमें मिक्सचर्स जो है वो रहते ही है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास पे डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये एकदम जो है वो सही है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा सेम एल्काइल हैलाइड के लिए, जैसे जैसे मास कम होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होने वाला है। आगे देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कंसिडरेबली हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास, क्योंकि हैलोजन जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो पोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, और आयनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज्यादा रहता है। इसलिए ये दोनों करेक्ट है लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, तो इसलिए बोथ एजर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये मतलब ये भी सही है ये भी सही है लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, बस ये बात समझ लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, KCN जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है, भैया बहुत गलत बात। KCN जो है वो CN नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, AgCN के केस में जो अटैचमेंट होता है वो NC होता है, तो आयोसोसाइनाइड बनता है AgCN के केस में, KCN के केस में नहीं बनता, तो ये गलत है। CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो assertion इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, आगे देखो बेटा जी नेक्स्ट पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुर्ज रिएक्शन टू गिव 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अभी देख लेते हैं भैया एक बार, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो हम लोगों के पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, 1 2 ये हो गया हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको वुर्ज रिएक्शन के साथ अगर हम लोग करेंगे तो बेटा जी वुर्ज रिएक्शन जो है ना वो या तो फर्स्ट डिग्री के केस में टेक प्लेस करती है या सेकंड डिग्री के केस में जो है वो टेक प्लेस करती है। इस तरह से थर्ड डिग्री वाले कंपाउंड्स के अंदर इस तरह का रेडिकल फॉर्मेशन होकर अटैचमेंट जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वुर्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सोडियम ड्राई ईथर कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कार्बन का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3Br कर रहा हूँ, इसका वुर्ज लगा रहा हूँ, तो ये CC जो है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये सही है ये गलत है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम लोग मूव कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप किसके ऊपर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस जो है हेलोएरीन्स के साथ इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है इसके ऊपर, जिससे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली या न्यूक्लियस लविंग जो है वो इजिली इस पर अटैक कर पाता है। ठीक है, तो ये भी सही है,
नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। बोथ करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस का जो है एक बार वीडियो में देख लेना, करेक्टली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। द मोनो हेलोएरीन फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। मोनो हेलोएरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अकर एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ये बहुत सिंपल है, ये मोनो हेलोएरीन है ये वाला, इसके अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा, एकदम सही है, और कहीं नहीं जाएगा, मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। हेलोजन एटम जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये लोग जो है वो नहीं दे रहे हैं। रिंग को डीएक्टिवेट कैसे करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली वाला फैक्टर या इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर यहाँ पे फेवर करता है इसको, जिससे वो रिंग को डीएक्टिवेट जो है वो कर देता है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन आपस में कोई लेना देना इनका नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय ओएच इन क्लोरोबेंजीन इन कंपेयर टू, ये सिंपल है भैया। सीसीएल बॉन्ड जो है क्लोरोबेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का रखता है, एकदम सही एक्सप्लेनेशन ये जो है वो दे रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा। ये सीएल रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, जिसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिससे ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा तो इसका सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे की। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, एराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद आयोडीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एराइल आयोडाइड अगर मेरे को प्रिपेयर करना हो, एराइल आयोडाइड ये होता है, रिएक्शन करवाओ एरीन्स की किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो एरीन्स की अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, एरीन्स की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, आयोडीन के साथ करवा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है, यहाँ पे आयोडीन जो है वो जुड़ जाता है। ये वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई टू को एच आई में ऑक्सीडाइज करते हैं, ये गलत है, ये एच आई को ऑक्सीडाइज करते हैं आई टू में, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। रीजन इज रॉन्ग, एजर्शन इज करेक्ट, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ टू ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड्स द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा जी एक बार मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। टू ब्रोमो ऑक्टेन, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो ये दो नंबर पे जो है वो ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बेटा जी, ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अगर ये करता है तो होगा, बाकी इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये सिंपल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 वाली कैटेगरी जो है ये रहेगी। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा और ये जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा दूसरी साइड से अटैच होता है लिविंग ग्रुप के, तो ब्रोमीन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, लेकिन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं होता सेकंड डिग्री वाला। नेक्स्ट बेटा जी, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और क्या बोल रहा है ये, नाइट्रेशन अगर मैं क्लोरोबेंजीन का करूं, Cl ये क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर अगर मैं HNO2 ग्रुप जो है या HNO3 के साथ इसका नाइट्रेशन करूं, तो बेटा HNO3 जो है वो NO2 पॉजिटिव देता है, ये या यहाँ अटैच होगा या ये पैरा पोजिशन पर अटैच होगा, मेटा पोजिशन पर जो है ये नहीं अटैच होता, ये गलत हो गया। NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ये सही है, NO2 ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि NO2 ग्रुप खुद जाके मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, बेंजीन रिंग को मेटा डायरेक्शन में जो है वो अटैच करवाएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो सारा कुछ क्लोरीन के हिसाब से जो है वो चलने वाला है। तो बेटा बहुत सारे MCQs थे, मैंने सारे मोस्टली जो है वो कवर अप कर दिए हैं। अगर ये रिएक्शंस या जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, दो चार बार आप देख लो अच्छे से, सारी रिएक्शंस आपको याद होने वाली है, और मैं गारंटी लेता हूँ मैक्सिमम पेपर जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से आने वाला है वो इन्हीं स्लाइड्स के अंदर, जो मैंने क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चंस आपको करवा दिए उसी के अंदर से जो है वो आने वाला है। बेटा बहुत मेहनत लगती है इन सारे चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।